पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में जहरीली शराब के कारण हुई दर्जनों मौत के बाद आज मुरादाबाद पुलिस भी हरकत में आ गई और मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र में संचालित अवैध शराब के कारोबार पर धावा बोलते हुए हजारों किलो लहर नष्ट किया। विदित हो पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर जनपद में जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी, जिसके चलते योगी सरकार को खासी फजीहत भी झेलनी पड़ी है। बड़ी संख्या में हुई मौतों के बाद से आम लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। उत्तर प्रदेश के निर्देश पर दूसरे शहरों की भांति आज मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के शहरी इलाके आदर्श कॉलोनी में सीओ राजेश कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी करते हुए मौके से हजारों लीटर कच्ची और अवैध रूप से बनाई जा रही शराब को नष्ट करवा दिया। आदर्श कॉलोनी में भारी पुलिस आता देख शराब बनाने वाले मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब बनाने का सामान भी तोड़ा, लेकिन सिविल लाइन क्षेत्र के शहरी इलाकों में वर्षों से इतने खुलेआम कच्ची शराब का धंधा कहीं न कहीं मुरादाबाद पुलिस की लापरवाही भी उजागर करता है, या फिर इस गोरख धंधे में कहीं न कहीं सिविल लाइन पुलिस की सम्मिलितता जरूर है। सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग अवैध शराब का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर पीएसी और थाना हसानी पुलिस के साथ छापेमारी की गई, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में लहन नष्ट किया गया और कई भट्टियाँ तोड़ी गई हैं, और ये प्रयास किया जा रहा है कि लगातार वहाँ छापेमारी की जाए और जिससे वहाँ इस तरह की अवैध गतिविधि न चलने का। लगभग 3000 लीटर लहन को नष्ट किया गया है और कुछ शराब बरामद किया गया है, और अभी एक अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है।